श्लोक नंबर 56 तक की चर्चा अपनी हो चुकी है ना। आगे तीन अनुव्रत, कितने अनुव्रत होते हैं सम्यक सिंगई? अनुव्रत कितने होते हैं? तीन, पांच अनुव्रत। हाँ, अहिंसा अनुव्रत, परिग्रह परम। चलिए बैठिए। तो अपने कौन कौन सा अनुव्रत की चर्चा हो गई? अहिंसा और सत्यानुव्रत, दो ही की चर्चा हुई है। तीन अभिशेष है, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह परिमाण। तीन अनुव्रत की चर्चा बाकी है। विशेषता ये है, अनुव्रतों की चर्चाओं के साथ साथ किसकी चर्चा भी की गई है साथ में? अतिचारों की चर्चा भी साथ में की गई है। तो इसकी विशेषता है, प्रश्न तो ऐसे ही बनते हैं, प्रत्येक श्लोक के जो प्रश्न बनते हैं वही बन रहे हैं। तो आप लिखते जाएं, रजिस्टर दे दिया आपको बराबर सभी को, इसलिए आप लिखना प्रारंभ कर देवे। अतिचार शब्द से क्या तात्पर्य लेना? सहज दोष, ठीक। एक और एक विशेष अर्थ हम समझ रहे थे, अभिषेक बैठे बैठे उल्लंघन, लगभग दोष भी और उल्लंघन भी, इस तरह का अर्थ हम समझ सकते हैं। एक प्रश्न ये भी जोड़ लेना, अतिचार शब्द का अर्थ, ठीक है, एक प्रश्न ये भी इसमें जोड़ लेना। चलिए, अब स्थूल चोरी का त्याग, ये जो अब बाल बोध से पढ़ते आ रहे हैं, चोरी आदि की परिभाषा वही इसी में से है, इसमें से लिया गया। वो निहितम वा पतितम वा सुविस्मृतम वा परस्व विसृष्टम, निहितम वा पतितम वा सुविस्मृतम वा परस्वम विसृष्टम, परस्व मवि सृष्टम, ठीक है, परस्व मवि सृष्टम। न हरति यन्न च दत्ते तदकृष चोर्यादुपारमनम्। निहितम वा पतितम वा, रखी हुई या गिरी हुई, ठीक है। निहितम यानी रखी हुई, पतितम यानी गिरी हुई, कहते ना पतित पावन बोलते ना, पतित माने हम, पावन कौन है? भगवान है, तो प्रभु पतित पावन, मैं अपावन, ठीक है, इस तरह। तो वहाँ पतित माने कैसे? गिरी हुई, मतलब नीचे की तरफ जो जाए वह पतित है। वा सुविस्मृतम, विस्मृतम माने भूली हुई, है ना, जिसका विस्मरण हो गया, सुविस्मरण, सु शब्द भी लगा और अच्छी तरह से एकदम से भूल ही गया हो, उसको ध्यान में नहीं हो, इसको विशेष तरह से कहा है। कोई तो ऐसा भूल जाता है, सुबह भूल जाता है, शाम को याद आ जाता है, ऐसा नहीं कि अच्छी तरह से भूल ही गया, उसको तो अभी पता भी नहीं कि ये चीज़ मेरे पास थी, ऐसे ऐसे भूल गया, उसको कहते हैं सुविस्मृतम। वा परस्वम अविसृष्टम, दूसरों के जो वस्तु है उसे, परस्व माने दूसरों की संपत्ति, उसे न हरति, न तो स्वयं हरण करता है, यत जो, न च दत्ते, न तो स्वयं हरण करता है, न तो ले करके किसी और को दे देता। अब ले करके किसी को दे देना, अब इसको तो बहुत बड़ा धर्म माना जाता है, बड़ी बड़ी मूवियाँ इसी बेस पे बन जाती हैं कि किसी के माल को उठा करके किसी को दे देना, अब कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो वो जबकि वो भी चोरी है। वो भले ही किसी धर्म कार्य में लगाएं, किसी अच्छे कार्य में लगाएं, बुरे कार्य में, कैसे भी कार्य में लगाएं, वह
चोरी ही है, ठीक है। तत् अकृष चोर्यात उपारमनम, क्या उसको क्या कहते हैं, अकृष चोर्या स्थूल चोरी से विरहित कहते हैं, उपारमनम माने उससे रहित, उसमें रमनता से रहित, स्थूल चोरी से रहित उसको कहते हैं, किसको, निहितम वा पतितम वा, क्या बात है, फोटो अच्छी लग रही क्या, निहितम वा पतितम वा सुविस्मृतम वा परिस्वम अविसृष्टम, ठीक है। ये इस तरह का इसका अर्थ है, उसको स्थूल चोरी का अभाव हुआ ऐसा कहते हैं। पढ़ो अर्थमयंक। किसी पुरुष का जमीन में गड़ा हुआ धन हो, किसी भी स्थान में महल में मंदिर में गृह आदि में छिपाया हुआ धन हो, आपको अमानत सौंप गया हो, अपने मकान में या दूसरे के मकान में आपको बिना बताए जताई भी रख गया हो, गांव में नगर में रास्ते में वन में बाग में फटक गया हो, आपको सौंप कर भूल गया हो, हिसाब में लेने में चूक गया हो, आपके स्थान में भूल से रख गया हो, पटक गया हो, अथवा लेन देन में गिनती में भूला हुआ पैसा रुपया मोहर आवरण वस्तु आदि महंगी या थोड़े मूल्य की ही हो, बिना दिए ग्रहण नहीं करना चाहिए, दूसरे की वस्तु उठाकर किसी अन्य को देना भी नहीं चाहिए, यह स्थूल चोरी का त्याग रूप अनुव्रत है। बोलिए, श्री कार्तिकेय स्वामी ने तो ऐसा कहा है, हाँ, विश्रिष्टम नहीं है, परिस्वम अविश्रिष्टम, अविश्रिष्टम माने वस्तु होना चाहिए, संपत्ति होना चाहिए, है ना, संपत्ति उस तरह का जो अर्थ कहते हैं ना, पदार्थ वस्तु, अविश्रिष्टम, ठीक है, परिस्वम बनेगा, हाँ, परिस्वम अविश्रिष्टम बनेगा, है ना, परिस्वम मतलब जो जिसके स्वामी पर हो, दूसरे हो, उसको परिस्वम कहते हैं। बोली, जो बहुमूल्यं वत्थुं अपमूल्येण नेय गिण्णेति विसर्यम्पिण गिण्हति लाहेथो ये वितुसेदि, जिसके स्थूल चोरी का त्याग होता है वह बहुत ही मूल्य की वस्तु अल्प मूल्य में ग्रहण नहीं करता। जैसे यदि कोई पुरुष अपनी वस्तु ठीक हिसाब लाकर आपको बेचे तो सवा रुपये में बिक जाएगी, कोई बराबर टैक्स वगैरह सब बराबर लगा के आपको बेचें तो सवा रुपये में, तो उस समय तो जैसा उनको लगा वैसा लिख दिया, सवा रुपया बहुत बड़ी रकम थी उस समय, तो अभी आप समझ लो कि 1500 रुपये में आपको बेच सकते सब टैक्स लगा कर, लेकिन वह व्यक्ति सीधा ही आपको दे और कहें कि भाई आप 1000 रुपये दे दो और ले लो बिना बिल बनवा के ही, तो ये भी एक चोरी हुई, बात समझ में आ रही ना। उसमें तो हम क्या समझते हैं, कुछ पैसा बच गए तो दूसरे कार्यों को उपयोग में लगा देंगे, मंदिर में दान दे देंगे, ये सब बहाना है, लेकिन वास्तव में जो इस तरह की चोरी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो उसके पीछे लोग तर्क भी देते हैं, हम थोड़ी ऐसे, सरकार भी तो ऐसी है, सरकार भी तो भ्रष्टाचार करते हैं, उसके लोग हैं जो सरकारी लोग हैं, अफसर है, वो भी भ्रष्टाचार करते हैं, तो हम क्यों नहीं करें, फोटो से नज़र नहीं हट रही तुम्हारी। बात समझ में आ रही ना, तो वे सब व्यर्थ के बहाना है, ऐसी बातें करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, कौन कैसा क्या उससे क्या फर्क पड़ता, आप कितने ईमानदार इस बात पर निर्णय करना है। तो ये इस तरह का कार्य जो होता है वो चोरी में ही जाता है। चलिए, यही इसमें बताया, भावार्थ देखिए, जो वणिज के व्यवहार में तथा नौकरी में थोड़ा ही लाभ हो तो भी संतोषी रखता है, अधिक की लालसा नहीं करता, उसके स्थूल चोरी का त्याग जानना, ठीक है। इस तरह का वो बहुत इस तरह का चलता है, कोई कस्टम वगैरह होता है वहाँ से बिना बिल के दे देते हैं चीज़ें, तो बहुत कम पैसे के हो जाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह के, ठीक है। तो ये सब उसमें ही स्थूल चोरी में ही जाएगा, बात समझ में आ गई। चलिए बोलिए श्लोक एक बार। चलिए आगे बढ़े, कोई प्रश्न,
कौन बोल रहा है? हाँ तत् वह उसको अकृश स्थूल चोर्यात स्थूल चोरी से उपारमनम रमनता से रहित उपारमनम स्थूल चोरी से रमनता रहित वाला कहते हैं उसको। नहीं तो वो इस चीज को उठाना ही क्यों? नहीं तो कोई करे तो करने तो गलत प्रयोग, अपन को क्या करना है? मैं कहता हूं अब ये वस्तु से नहीं जोड़ना इस चीज को, आपका चित्त खराब होता है इससे, है ना, चित्त क्लेश होता है इसको, इसी कारण चोरी से निपटना है। वस्तुओं को उलट पर करने का नाम चोरी नहीं है, है? अपने चित्त को उस तरह के भाव जो अपने बनते हैं वास्तविक चोरी से उससे आपको बचाना है। परिद्रव्य में जो उपयोग आपका बर्बाद हो रहा है उस उपयोग को आत्मलीनता में लगाना, यही उद्देश्य है। अनुव्रत का भी महाव्रत का भी और तप जो भी है सबका यही उद्देश्य है कि आपका उपयोग जो परिद्रव्य में लग रहा है उस उपयोग सो में लगाना। अब शास्त्रों में इसलिए उपाय बताया, ठीक, उस उपाय में अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक, पड़ा रहेगा पड़े रहने दो। किसी के पास अगर चोरी का धन किसी के पास चला भी जाएगा तो क्या करेगा उसे? वो उसे भी उल्टे सीधे कार्य में ही प्रयोग करेगा, बात अभक्ष्य भक्षण करेगा, उल्टा सीधा खर्च करेगा। चोरी का पैसा सही रास्ते में यूज़ नहीं कर सकता वो, करेगा ही नहीं। जिसका अभिप्राय में खोट हो वो पैसे क्यों करेगा चोरी, बताओ? मुझे उस तरह के जो सप्तव्यसन आदि में लगाने के लिए अभक्ष भक्षण आदि करने के लिए लगाएगा, और नहीं भी करेगा तो भी वह धन ऐसे ही पड़ा रहेगा, वह कोई फल देने वाला नहीं है और नरक आदि निगोध आदि का कारण बनने वाला, ऐसे परिणाम जो होते हैं वह बहुत भयंकर परिणाम है, ठीक है। इस तरह हमें यह देखना नहीं चाहिए, सामने से अगर हो, अगर आपका कर्तव्य हो उस जगह, आप ऐसे पद में हो आपके पास कोई वस्तु आए तब तो ठीक है, तब तो आपको दूसरा कार्य नहीं है, दूसरा उपाय नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा, एक दो बार सूचना करनी पड़ेगी। और कोई लेके नहीं गया तो क्या करोगे? तो बहुत लोग मेरे पास भी आते हैं, भाई साहब वहाँ पे 100 रुपये पड़ गया, कभी वहाँ पे मिला, यहाँ पे 50 मिला। तो पहले तो मैं लेके रखता था अपने पास, भाई कोई आएगा मांगने के लिए दे दे, ऐसे दे। अब वो 2-4 दिन तक नहीं आता था, फिर ले जाकर मंदिर में डाल देता था। बात समझ में आ रही ना? अब मंदिर में डालने के बाद एक आध कोई आ जाए, क्योंकि पैसा मेरे पैसे थे, वो आपको किसी ने दिया था, मैं भूल गया लेना, ऐसा ऐसा क्या, फिर अपने जेब से जाते हैं पैसे, फिर वो चोर हुआ कि नहीं जो अपन से ले गया? उसके पैसे तो मंदिर में गए, तो ये तो मेरे पैसे ले गया ना। बात समझ में आ रही ना? तो वहाँ तो ऐसे ही क्या करे, काम ही ऐसे, व्यवस्था ही ऐसी है, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं। जिस पद में आप हो तो उसमें उस अनुसार कुछ एक आध काम इस तरह होते हैं, उसमें कोई उपाय नहीं है, ठीक है। अब जब उपाध्याय वरिष्ठ से ही कोई ना कोई कार्य कर रहा हूँ मैं स्मारक में, स्वाद कक्ष में, इधर पीछे सीढ़ी में, कहीं फिर बाद में मुक्त विद्यापीठ में, ऑफिस में, जितना भी जो भी कार्य मिला मुझे तब से करता आ रहा हूँ, और तब से मुझे पैसा मिल रहा है स्मारक से। अब वो साथी जो बच्चे थे, वो जो अपने दोस्त थे, वे मांगते थे पैसा, वे मांग के ले जाते थे, अब फिर पता नहीं क्या कहते हैं क्या करते हैं कुछ पता नहीं है। अब उस समय जेब में पैसा तो अपन मना भी नहीं कर सकते थे, बात समझ में आ रही ना? सब दोस्त मित्र किसको मना करें, एक को मना कर दिया तो किसी और को दे दिया तो दूसरा नाराज हो जाएगा, बात समझ में आए ना? तो इसलिए उस समय क्या करता था मैं, जितनी भी मेरी कमाई होती थी कि उस दिन में क्या मिलते थे, एक दिन के 20 रुपये 30 रुपये ऐसे इतने तो मिलते थे।
तो उसमें जितनी अपनी जरूरत होती थी उतना बाकी मंदिर में डाल के आ जाता, शास्त्र तृतीय अवस्था की ऐसा करता था, जितनी अपनी जरूरत होती थी उतना अपने पास रख के बाकी मंदिर में डाल के आता। भाई मेरे पास है ही नहीं है पैसा, बात समझ में आ रही ना? तो ऐसा है कि आपके पैसे हैं वो उसका उपयोग भी कैसा हो रहा है, क्या है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। वो कंठपाठ सुनाया आपने, ये सब जानते ना, मेरे शुरू में सुनाए होंगे आपको उदाहरण कनिष्ठ वरिष्ठ में जब मैंने पढ़ाए हूँ आपको, है बात समझ में आ रही ना? तो इस तरह किस तरह का उपयोग इसका करना चाहिए ये भी एक विशेष बात है, वो भी सब चोरी में ही आता है, आपको ध्यान रखना। और जिस पद में हो उस पद के अनुसार जिसमें आपको न्याय लगे, आपने जो प्रश्न पूछा उसके लिए, उस जिसमें आपको न्याय लगे, अपने अंतरंग से ऐसा लगे कि भाई इसमें बिल्कुल अनीति नहीं है, अन्याय नहीं है, कि दूसरे कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे, कहने वाले तो नहीं इन्होंने अपने पास रख लिया, हमने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, अब कहने वाले कहते रहेंगे, जिसमें आपको न्याय रूप लगे कि अभी दो चार दिन रख के अपन दे देंगे, यहाँ कर देंगे वहाँ कर देंगे, तो उसको ऐसा रख देना। अब वैसे ही यहाँ पे बाहर निःशुल्क का भंडार है वहाँ रख देना कभी, ऐसा कुछ जो कुछ भी हो सके न्यायपूर्वक जो हो वो इस तरह का उपाय होना चाहिए। आ गया समझ में? चलो और कोई प्रश्न श्लोक से संबंधित करो यार, इस तरह बाहर के प्रश्न करते हो समय चला जाता। हाँ अभिषेक, हो गया प्रश्न समझ में? आ गया, आगे बढ़े। अब अचोरी नाम के अनुव्रत के पांच अतिचार कहने वाले श्लोक कहते हैं, पांच अतिचार है, प्रत्येक के पांच अतिचार है अचोरी के। देखिए, चोर प्रयोग चोरार्था दान विलोप सदृश सन्मिश्रा हीनादिक विनिमानम पंचास्ते ये व्यतिपाता, व्यतिपाता व्यतिचार अतिचार, ठीक है, व्यतिचार और उससे अतिचार अर्थ लेना है, व्यतिपाता। कितने हैं अतिचार? पंच, पांच अतिचार हैं। किसके अतिचार हैं? अस्तेये, अस्तेय माने चोरी नहीं करना, ठीक है। आचौर्य अनुव्रत के पांच अतिचार हैं क्या क्या? चोर प्रयोग, खुद तो चोरी नहीं करना, दूसरों को चोरी करने में सहयोग करना, बात समझ में आ रही ना? क्या कहना है? स्वयं भाई मैं तो चोरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बैठे बैठे योजना बनाएं या फिर जो चोरी करें उसको हेल्प करें, तुम जाकर चोरी करो मैं नीचे से देखता हूँ कोई आ रहा क्या, बात समझ में आ रही ना? चोरी में सहयोग करना ये भी चोरी है, चोरी के अतिचार। मैं तो बिल्कुल चोरी नहीं करता साहब, मैं तो चोरियान व्रत के धारी हूँ, तो ऐसा अगर अतिचार सही तो वह चोरियान व्रत के धारी है, अचोरियान व्रत के नहीं, चोरियान व्रत के धारी है, एक भी अतिचार हो उसमें, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, चोर प्रयोग, सहयोग नहीं करना चाहिए स्वयं भी, ठीक है। चोरी में सहयोग करें तो भाई मैं तो नहीं करता लेकिन दूसरों को करने में सहयोग करता हूँ तो वो भी चोरी ही कहलाएगी। चोरार्थ, चोरार्थ दान, चोरी करके लाए हुए धन को लेना, अगर कोई चोरी करके लाए और आपको बेच दे कि भाई ये लो भाई, चलो तुम तो चोरी नहीं करते, तुम तो पैसे से खरीद लो, तुम तो चोरी नहीं करते हो ना, चोरी तो मैंने की है, मैं तुम्हें बेचता हूँ तुम ले लो, तो उसको ले लेना, ये जानते हुए भी कि ये चोरी का माल है उसको खरीद लेना, वो क्या है? चोरार्थ दान, ठीक है, चोरार्थ दान। विलोप, विलोप माने जो न्याय संगत बात को छोड़ करके, मतलब नियम कानून की बात छोड़ करके उसके खिलाफ कुछ भी बकते रहना, ठीक है, जीएसटी बिल ऐसी है वैसा है ऐसा है, इसमें वो सब वो होता है, इसका नुकसान होता है, ये कर, अब जो भी होता हो लेकिन उन्होंने लागू कर दिया, संविधान में उन्होंने लागू कर दिया, लोकसभा में राज्यसभा में उसको पारित कर दिया, इसका मतलब क्या है?
आपको मानना होगा। लोकसभा में कौन बैठते हैं? हैं सांसद बैठते हैं। सांसद को कौन चुनता है? हैं आप लोग चुनते हो। इसका मतलब क्या? आपका प्रतिनिधि, उन्होंने उसको मंजूरी दे दी। आप सबके प्रतिनिधि, वो जो 7-8 लाख लोगों के एक प्रतिनिधि जाता है, तो उसने जाके वहाँ मंजूरी दे दी। इसका मतलब आप सब ने उसको मान लिया है, आप सब ने भी हरी झंडी दे दी। इसका मतलब तो आप, एक तो आपके सांसद ने मान लिया, प्रस्ताव पारित हो गया, उसके बाद आपको मानना ही पड़ेगा। फिर भी आप उसमें दूसरा उपाय निकालें और दूसरों को बताएं, भाई ऐसा करो बच जाओगे, वैसा करो बच जाओ, इस तरह की जो बातें होती है वो क्या है? विलोप है। नियम के विरुद्ध कार्य करना, ये समझ लेना सीधा सीधा, ठीक है? नियम के विरुद्ध कार्य करना। आगे क्या है? सदृश सन्मिश्रा, कौन है मिश्रा? सदृश सन्मिश्रा, ठीक है? अपने सामने ही क्या करना? अच्छी तरह से मिलान करना। अच्छी तरह से कैसे मिलान करना? घी में तेल, सोने में पीतल आदि, इस तरह के मिलाते हैं ना, मिश्रण करके बेचना, ठीक है? और क्या क्या मिलान करते हैं आप लोग तो जानते होंगे अच्छे से, हैं? जिनकी दुकान है वे तो जानते होंगे, मजाक कर रहा हूँ। चलिए, जो इस तरह के क्या हो, आप लोग मजाक कर रहे हो क्या? तो इस तरह मिलान करके जो बेचना होता है, वो भी एक अतिचार है, उसको कहते हैं सदृश सन्मिश्र। हीनादिक विनिमानम, विनिमानम माने होता है वितरण करना, देना, ठीक है? क्या करके देना? हीनादिक, हीन और अधिक, ठीक है? जब किसी से कुछ लेना हो तब तो ये वो रखते हैं ना, बाट आदि, तराज आदि रखते हैं, उसमें ज़्यादा, उसके क्या बोलते हैं, उसको कम ज़्यादा कर देते हैं ना, ठीक? किसी को देते समय उसको कम कर देते हैं, ठीक है? बात समझ में? 1 किलो का सामान पूरा नहीं देते हैं, उसमें 900 ग्राम इतना ही कर देते हैं, ठीक है? तो उतना ही सामान उसको जाता है। और किसी से कुछ लेना हो तब क्या करते हैं? तब उसको बढ़ा देते हैं, 1 किलो के 1100 ग्राम आ जाएं तुम्हारे पास, ऐसी व्यवस्था करते हैं। बात समझ में? ये भी स्पष्ट रूप से क्या है? चोरी है, अतिचार है। इसके होते हुए भी आचौर्य अनुवृत्त नहीं हो सकता, ठीक है? ये 5 प्रकार के हैं। अर्थ पढ़ो भूपेंद्र, पढ़ो। देखो, उसमें भी एक ध्यान रखने की बात है, बहुत मूल्य के वस्तु में अल्प मूल्य की वस्तु मिलाकर दे देना। घी में तेल तो मिलाते हैं, तेल में घी मिला के नहीं बेचता कोई। बात समझ में आई ना? तेल में घी मिलाएं तो नुकसान हो जावे, समझ में आ जाए ना उसका। घी में तो तेल मिलाएगा, क्यों? घी महंगा है, तेल सस्ता है, इसलिए उसमें मिला दिया, ठीक है? इस तरह का मिलान होता है उसमें भी। हाँ बोलो। ये अभी क्या है, उसमें मैसेज वगैरह आते रहते ना, एक में एक कहानी आई इस तरह की, याद आ रहा है। कोई किसान था, किसान कुछ अनाज वगैरह कुछ उत्पाद करता था अपने गांव से, और गांव से लेकर के शहर में जाके दुकानदार को दे के आता था, और उसके बदले में शक्कर आटा कुछ लेके आता था उससे।
दुकानदार क्या करता था, ये तो किसान है, बहुत मेहनत करके ले आता है, ये समझ करके उससे ऐसे ही लेता, वो उससे पूछता था भाई कितने हैं तुम्हारे पास, वो बोलता था 1 किलो, तो चलो दे दो 1 किलो, उसे लिया और 1 किलो आटा शक्कर उसको दे दिया, ऐसा करके देता गया। बीच में एक दिन उसको अचानक एक शक हुआ कि भाई अपन इनसे ले तो लेते हैं, वो पूरा 1 किलो देता भी कि नहीं, एक बार देखा तो सही। तो बीच में उसने एक दिन आपको देखा तो उसमें 900 ग्राम थे। तो उसने किसान की बहुत पिटाई की पकड़ के, भाई एक तो बहुत मतलब दया करके मतलब तुमसे मैंने ली और तुम ऐसे काम करते हो, तो करके बहुत मारा उसको। मारने के बाद उसने हाथ जोड़ के कहा, भाई आपसे जो मैं लेके जाता हूँ, मेरे पास तो नाप तोलने के लिए कुछ है नहीं, आपसे जो चीज़ लेके जाता हूँ मैं, उसी के अनुपात में आपको दे के जाता हूँ। क्या कहा उसने, आपसे जो मैं लेके जाता हूँ उसी के अनुपात में आपको दे के जाता हूँ, और तो मुझे कुछ पता नहीं है कैसा कम हो गया, क्या मतलब है इसका। मतलब दुकान वाला उसको कम देता था यहाँ से 900 ग्राम, तो उसके पास कुछ नाप तोलने के लिए कुछ है नहीं, जो लेके जाता था उसी को रख के उसी के अनुपात में अपनी चीज़ उसमें डाल के उसको रोज ले आता था, दुकान वाला गलत था ना, बात समझ में। तो इसी तरह देते समय तो खुद कम करना चाहते हैं और लेते समय क्या चाहते हैं, लेते किसी से कोई चीज़ लेना हो तब तो बहुत ईमानदार बनना चाहते हैं, बराबर 1 किलो को 1 किलो, जब देना हो तब फिर तब इतना तो चलता है, बात समझ में आ रही। तो ये उस तरह का उन्होंने हीनाधिक मानोन्मान ऐसा कहा उसको। चलिए बोलिए श्लोक। बोलिए कोई प्रश्न। मनमानी इस तरह का अर्थ ले सकते हैं, है ना, अपनी मर्जी से मन मर्जी से अपन करते हैं ना, लेकिन वो तो फिक्स है ना, 1 किलो माने इतना ही होना चाहिए, 900 ग्राम माने इतना ही होना चाहिए, फिक्स है, लेकिन अपन अपने मन से उसको कम ज़्यादा कर देते हैं, उस तरह का तो नहीं। विनिमान माने वितरण करना। अब इन्होंने मानव मान शब्द इसी में से लिया ना, विनिमान से ही, हीनाधिक मानोमान, मानोन्मान इसी में से लिया गया, विनिमान से। हाँ उसी तरह, हाँ विनिमय उसी तरह होना चाहिए, एक बार फिर देख लेना कुछ अलग अर्थ हो तो बताना। चलिए आगे बढ़े। अब स्थूल ब्रह्मचर्य नाम के अनुव्रत का स्वरूप कहने वाला श्लोक कहते हैं, कौन सा अनुव्रत है ये, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, कौन से नंबर का, चौथे नंबर का, 3 अनुव्रत हो चुके हैं उसके, अतिचार भी हो चुके हैं, इसके अलावा कुछ चर्चा आई थी प्रारंभ में। बस वही जो चारित्र चारित्र के भेद करते हुए उन्होंने अनुव्रत प्रारंभ कर दिया था। चलिए अब कितने श्लोक तक है अंत में, 66। चलिए कोशिश करेंगे कि आपके जाने से पहले पूरा कर दें। चलिए न च परदारान गच्छति,
न परान गमयति च पाप भीतेर्यत सा परदार निवृत्तिः सोदार संतोष नामापी। सरल विषय आप सब पूरे पढ़े हुए हैं, अनुव्रत आदि का भी बाल बोध वही विषय है, थोड़ा श्लोक से समझिए बस। पाप भीतेर, पाप से भय भीत, पाप के भय से भीत, ठीक है, एकदम से पाप से डरा हुआ व्यक्ति, डरा मतलब वो कहते हैं ना जो जोगसार में भी उन्होंने लिखा है, संसारम भय भी हम, ऐसा लिखा ना, संसार से डरा हुआ व्यक्ति ही मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो सकता, संसार के कार्यों से जिसे डर लगता हो वही मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो सकता। ईमानदार कौन व्यक्ति होगा? बेईमान के कामों से जिसे डर लगता हो, डर माने उसको देख, अरे नहीं ये नहीं करना चाहिए, जो निडर होगा चलो ये भी कर ले वो भी कर ले ऐसा, लेकिन उसे अंतरंग में उस तरह का भय होना चाहिए। भय माने वैसे भय नहीं है ना, एक जो डरपोक वाली बात होती है वैसे नहीं, भय से कि ये अनैतिक है ये नहीं करना चाहिए, ऐसा जो सावधानी जो होती है वैसे भय, ठीक है। अब जिनवानी करते समय, जिनवानी रखते समय, उठाते समय अंतरंग से सावधानी रखते ना, थोड़ा सा भय रहता ना कि कुछ होना जाए और अपने हाथों से गिर जाए तो तुरंत उठा हाथ में उठा लेते हैं, तो वैसे भय रहता है। भगवान का अभिषेक करते समय हाथ नहीं लग जाए, बाल पूरा बाल यहाँ से बंद रखते हैं, हाथ नहीं लग जाए, पैर कदाचित नहीं लग जाए, ठीक है, इस तरह बहुत ध्यान से करते हैं ना, तो वो जिस तरह भय से करते हैं वैसे भय की बात है। भय माने ऐसा नहीं कि एकदम से डर के कोने में बैठ गए, वैसे डर नहीं, ठीक है, सावधानी रूप से जो भय रखते हैं अपन वैसे। पाप भीतेर यत, पाप रूपी भय से भीत जो, न च परदारान गच्छति, न तो परस्त्री के यहाँ स्वयं जाता है, गच्छति जाता है जाने के इसमें, न पराण गमयति, न दूसरों को जाने को कहता है, दूसरों को गमन कराता है। सह परदार निवृत्ति, वह परदार परस्त्रियों की निवृत्ति होने से सोदार संतोष नामापि, उसे क्या कहते हैं, सोदार अपनी स्त्री में संतोष होने वाले व्रत कहते हैं। ब्रह्मचर्य का नाम तो लिया ही नहीं उन्होंने पूरे श्लोक में, उसका क्या नाम दे दिया, सोधार संतोष, अपनी स्त्री में संतुष्ट रहने वाले व्रत कहते हैं। अनुव्रति जो है वह अपनी स्त्री में संतुष्ट रहता है, ना तो परस्त्री के यहाँ स्वयं जाता है, ना तो परस्त्री के यहाँ किसी को गमन कराता है, वह सोधार संतोष नाम का या परस्त्री त्याग नाम का अनुव्रत है। महात्मा गांधी जी जो आत्मकथा लिखी है उन्होंने सत्य प्रयोग, उसमें उन्होंने लिखा है स्पष्ट, जब यहाँ से दक्षिण अफ्रीका के लिए गए नाव में बैठकर, पहले फ्लाइट की सुविधा तो थी नहीं, नाव में बैठकर जाना होता था, नाव माने जो बोट वगैरह बड़े बड़े होते उस तरह से, उसमें बैठकर जाना होता था, तो उसमें क्या करते थे, एक दिन सफ़र करते थे और कोई भी देश बीच में आ जाए तो वहाँ जाके बोट लगा देते थे और एक दो दिन वहाँ आराम करके फिर आगे निकलते थे, तो इस तरह को 10-12 दिन लग जाता था, जहाँ अभी पहुँचने में आपको 10-12 घंटे लगते हैं तो वहाँ तब पहुँचने में उनको 10-12 दिन लग जाता था, उसी में खाना बनता था, उसी में क्या क्या होता है ना, इस तरह सारा काम उसी में होता था, तो ऐसे पहुँचते थे, तो जाते जाते किसी जगह जाके रुके, वहाँ पे उनके जो मित्रगण थे साथ में वे, उन्होंने सब उसको गांधी जी को लेके गए, समझा बुझा के कि इस तरह के आनंद भी है दुनिया में, चलो इस तरह करके समझा के उनको लेके गए, तो लेकिन क्या करें, वो पूर्व संस्कार पुण्य प्रकृति इतनी थी, अब वो वहाँ तक गए, उस घर तक परस्त्री गमन के घर तक गए वहाँ, लेकिन अंदर नहीं गए, बाहर ही बैठ करके अपनी गलती पे बहुत एहसास हुआ उन्हें, इस तरह की बहुत बड़ी गलती हुई, वहाँ तक जो गए वो भी उनको लगा कि बहुत बड़ी गलती है, जीवन की बहुत बड़ी गलती है, उन्होंने उससे शिक्षा ली, उसके बाद पूरे जीवन भर उन्होंने ब्रह्मचारी व्रत का पालन किया। बात समझ में आ रही ना, वो ना तो स्वयं जाना ना तो दूसरों को गमन कराना, दोनों कार्यों को छोड़ करके स्वयं अपनी स्त्री पर ही संतुष्ट रहना,
कि उसका नाम स्थूल ब्रह्मचर्य नाम का अनुव्रत है, स्थूल ब्रह्मचर्य है जो गृहस्थी है उनके लिए। जो पाप के भय से परस्त्री के यहाँ स्वयं नहीं जाता है तथा न परस्त्री के यहाँ अन्य को गमन कराता है, वह सौदार संतोष नाम का या परिस्त्री का त्याग नाम का अनुव्रत है। जो अपनी जाति की कुलीन घर की साक्षीपूर्वक विवाही स्त्री में ही संतोष धारण करके उससे भिन्न अन्य समस्त स्त्री मात्र में राग भाव का त्याग करके परस्त्री वेश्या दासी कुलटा कुंवारी इत्यादि स्त्रियों में विरागता को प्राप्त होकर स्त्रियों से राग भाव पूर्वक मिलना वचनालाप करना अवलोकन करना स्पर्श करना आदि का त्याग करता है वह परस्त्री का त्यागी तथा सौदार संतोषी भी कहलाता। अब सौदार संतोष व्रत के पांच अतिचार कहने वाला श्लोक है, ठीक है। वो तो परस्त्रियों क्या ना तो स्वयं जाना, हाँ अब होगा भाई उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो जो क्रम उन्होंने दिया उस क्रम से लगा लेना क्या अर्थ होगा, ठीक है। परस्त्री वेश्य दासी कुलटा इस तरह का दिया उन्होंने, नाम आप ये भाई संतोष, संतोषन नाम संतोषान होना चाहिए, सौदा संतोषान नाम आप, हाँ ठीक है उस तरह। हाँ कोई प्रश्न देखो श्लोक में, श्लोक में प्रश्न होता है बता भाई, उल्टा तो बाद में समझा दूंगा मैं। चले नहीं है कोई, बोलिए श्लोक बोलिए। ठीक है, ये स्थूल ब्रह्मचर्य है, इसका अर्थ समझने की बहुत जरूरत है। वर्तमान में जो परिस्थिति बन रही है आप सबके सामने अभी, आप लोगों को और बाहर के विद्यार्थियों को दोनों को जीवन की तुलना अगर करें तो बहुत उत्तम जीवन है आपका। जिस तरह आप स्वाध्याय आदि करते हैं, जिस तरह की बातें आप सुनते हैं, जिस तरह का आपका व्यवहारिक जीवन है, ये बहुत उत्तम जीवन है। बाहर में आप देखो तो किस तरह के व्यवहार होता है सहज आपको देखने में आता होगा। कितने भी चीज़ें हैं आप देखो उनमें क्या अंतर है, नित्य अखबारों में न्यूज़पेपर में क्या कुछ पढ़ने में आता है सब, ठीक है। तो अब आप सब विचार करना इस विषय पर, है ना। ये बहुत जो भी हैं, जो भी बड़े विद्वान हैं, जो भी हैं, इस बात पर प्रेरणा देने के लिए कहते हैं आपको, बहुत प्रेरणा स्वयं देते हैं और आपको भी कहते हैं कि बाहर जाके जो आपको जो विद्यार्थी मिलते हैं, आपके हम उम्र के जो विद्यार्थी और मिलते हैं, छात्रगण मिलते हैं, उनको भी ये बात आपको समझानी है कि सामान्य ब्रह्मचर्य का पालन तो जीवन में होना ही चाहिए। सामान्य ब्रह्मचर्य क्या, इसकी क्या विवक्षा है, ये इसमें बता रहे हैं। चलिए अब सौदार संतोष व्रत के पांच अतिचार कहने वाला श्लोक कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य धारण तो कर लें लेकिन निम्न पांच कार्यों में से एक भी कार्य करें तो ब्रह्मचर्य नहीं कहलाए, ठीक है। वो पाँच अतिचार क्या है देखते हैं। अन्य विवाह करना, करणांग से मिला लीजिए उसमें ना, अन्य विवाह करणांग क्रीड़ा विटत्व विपुल त्रशः इत्वरिका गमनम चास्म रस्य पंचव्यतीचारा च अस्मरस्य, नीचे की लाइन में च अस्मरस्य, अस्मरस्य माने ब्रह्मचर्य, ठीक है। स्थूल ब्रह्मचर्य को अस्मरस्य कहते हैं। अस्मरस्य के पंच व्यतिचार है, पांच अतिचार हैं ब्रह्मचर्य के, पांच अतिचार हैं क्या क्या, अन्य विवाह करण, ठीक है, करण अन्य विवाह करण। स्वयं तो शादी कर लिए, ठीक है, स्वयं का विवाह तो हो गया, उसके बाद दूसरों की शादी में
दूसरे के विवाह में बढ़ चढ़कर भागीदार बनना, दूसरे के विवाह करने में बहुत रुचि दिखाना। बात समझ में आ रही ना क्या कहना चाहते हैं? वो अपने रिश्तेदार हो तो बात ठीक, और जो अपने रिश्तेदार ही नहीं हो, जिन्हें कुछ जान पहचान भी नहीं हो, दूर दूर तक भी रिश्तेदार नहीं हो, ऐसे विवाह में भी बहुत रोचकता दिखाना, बहुत रुचि दिखाना, उसको बोलते हैं अन्य विवाह करण। बात समझ में? जिसको देखो तुम्हारी शादी हो गई क्या, तुम्हारी शादी हो गई क्या, तुम्हारा विवाह हो गया क्या। बात समझ में? तुम्हें क्या लेना देना किसकी शादी हुई किसकी नहीं हुई। बात समझ में आ रही ना क्या कहना चाहते? तो अन्य विवाह करण, उसमें बहुत ज़्यादा रुचि दिखाना, ठीक है। अनंग क्रीड़ा, जो स्वाभाविक अंग नहीं है ऐसे अंगों से क्रीड़ा करना। विटत्व, जो पुरुष आदि से भी इस तरह के क्रीड़ाएं करने की कोशिश करते हैं मन वचन काय से, उसको कहते हैं विटत्व। विपुल तृषा, बहुत ज़्यादा काम सेवन करने के बहुत मन में परिणाम रखना, बहुत राग द्वेष करना, मन में राग द्वेष भाव बहुत रखना काम सेवन के। बहिरंग में तो त्याग कर दिया ऐसा कहना, लेकिन अंतरंग में बहुत परिणाम रखना वह विपुल तृष्णा। विपुल माने बहुत ज़्यादा, तृष्णा माने अंतरंग से बहुत राग द्वेष परिणाम रखना। इत्वरिका गमनम, इत्वरिका माने परिस्त्री वेश्या विभचारी आदि जो होते हैं वे कहलाते हैं इत्वरिका गमनम, वहाँ पे आते जाते रहना, जहाँ पे स्त्री स्त्री आदि हों उनके पास आना जाना, उठना बैठना, बात करना, ये भी क्या है ब्रह्मचर्य में दोष लगाने वाले, ठीक है। ये पांच प्रकार के अतिचार हैं, अन्य विवाह करण, अनंग क्रीड़ा, विटत्व, विपुल तृषा, इत्वरिका गमनम, ये पांच अतिचार हैं ब्रह्मचर्य के। विटत्व का अर्थ है, नीचे लिखा देखो, बंडिमा रूप पुरुष को स्त्री का रूप स्वांग आदि बनाकर मन वचन काय से कुशील की प्रवृत्ति करना तथा दूसरों से कराना, वह विटत्व नाम का अतिचार, ठीक है। चलिए, अस्मर अर्थात स्थूल ब्रह्मचर्य व्रत के पांच अतिचार हैं, वे त्यागने योग्य हैं। अपने पुत्र पुत्री के सिवाय दूसरों के पुत्र पुत्रियों के विवाह को रागी होकर कराना, वह अन्य विवाह करण नाम का अतिचार है। काम के निश्चित अंग को छोड़कर अन्य अंगों से क्रीड़ा करना, वह अनंग क्रीड़ा नाम का अतिचार है। भंडिमा रूप पुरुष को स्त्री का रूप स्वांग आदि बनाकर मन वचन काय से कुशल की प्रवृत्ति करना, मन वचन काय तीनों को लिया उसमें, कुशल की प्रवृत्ति करना और दूसरों से कराना, वह विठत्व नाम का अतिचार है। काम सेवन की अतितृष्णा तीव्रता लालसा रखना, वह विपुल तृष्णा नाम का अतिचार है। पति रहित वेश्या आदि तथा अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों को इत्वरिका कहते हैं। उन व्यभिचारिणी स्त्रियों के घर आना जाना, उन्हें अपना घर बुलाना, उनसे लेन देन रखना, परस्पर वाता करना, उनका रूप श्रृंगार देखना, यह इत्वरिका गमन नाम का अतिचार है। ये पांच स्थूल ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार दूर से ही त्यागने योग्य हैं। देवों के द्वारा पूज्य ऐसा जो ब्रह्मचर्य व्रत, उसकी यदि कोई रक्षा करना चाहता है तो उसे अपनी विवाही स्त्री के सिवाय अन्य माता बहन पुत्री पुत्रवधु आदि के निकट तथा एकांत स्थान में भी नहीं रहना चाहिए। अन्य स्त्री का मुख नेत्र आदि को अपने नेत्र आदि से जोड़कर गड़ाकर स्थिर रखकर नहीं देखना चाहिए। शीलवंत पुरुषों के नेत्र तो अन्य स्त्री को देखते प्रमाण तुरंत ही मुद्रित बंद हो जाते हैं। जो शीलवंत पुरुष हैं उन्हें अन्य स्त्रियों को देखते ही, उनकी रूप श्रृंगार नहीं देखते, देखते ही वे आँखों को बंद कर लेते हैं, अन्य स्त्रियों के साथ पुत्री पुत्रियों के साथ पुत्रवधुओं के साथ एकांत स्थान में नहीं रहते हैं। ये भी ब्रह्मचर्य में दोष लगाने वाले कार्य हैं। चलिए ठीक है, बोलिए श्लोक एक बार।
बोलिए कोई प्रश्न। रविंद्र इतवारी का समझ में आ गया है? इतवारी का माने जो नीचे लिखा ना, पति रहित वेश्या आदि तथा अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों को इतवरिका कहते हैं। और कोई प्रश्न है? क्या बोल? भंडिमा रूप माने देखो,
हेलो।